अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है उमर। अगर आपका नाम उमर है या अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत बेटे से नवाजा है और आप उसका नाम उमर रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज हम उमर नाम के साथ जुड़ी हुई कुछ बुनियादी मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक उमर की जानिब। उमर की उर्दू अरबी इमला में जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं वो हैं आयन, मीम और रा, जबकि इंग्लिश में इसके स्पेलिंग यू एम ए आर के साथ किए जाते हैं। उमर नाम के साथ जो दीगर नाम मिलाकर रखे जाते हैं, मोहम्मद उमर, उमर दराज, उमर हैदर, उमर फारूक, उमर उस्मान वगैरह। जिनसी तौर पर उमर नाम लड़कों के लिए मखसूस समझा जाता है, मजहबन ये एक मुस्लिम नेम है। हमारी रिसर्च के मुताबिक उमर नाम का बुनियादी ताल्लुक अरेबिक जुबान से है। इल्मुल आदात के मुताबिक इसका खुशकिस्मत नंबर 4 समझा जाता है। खुशकिस्मत अय्याम में इतवार और मंगल शामिल हैं। खुशकिस्मत कलर्स में सुर्ख, जंगनुमा और हल्का सब्ज शामिल हैं। खुशकिस्मती का पत्थर पुखराज को समझा जाता है और खुशकिस्मती की धात तांबा मानी जाती है। इल्मुल आदात के मुताबिक ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा मुतासर करती हैं, जबकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों में ऐसी कोई पावर नहीं होती। तो चलिए बढ़ते हैं उमर नाम के मतलब की जानिब। उमर का मतलब है जिंदगी, मुद्दत, सन, तवील जिंदगी वाला, लंबी हयात वाला। और दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब का नाम भी है। अगर आपका नाम उमर है, मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला आपको नेक, तंदुरुस्त, सेहतमंद, आफियत वाली जिंदगी से नवाजे। और अगर आप अपने बेटे का नाम उमर रखना चाहते हैं तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे नेक सालहे फरमाबरदार बनाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए नाम की तफसीलात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।